यस भी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से आएंगे भी ठीक है नहीं 100% यहीं से आने में ओके बाकी क्यों करें ना देखिए अभी क्या होता है क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा ये बताना मेरे को अभी आपको क्वेश्चन बता दूंगा यही आने ठीक है डोंट वरीज लिखिए भाई क्लास स्पेक्ट्रम क्या होता है लिखवाऊंगा नहीं इट इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम पहले बना चुके हैं लेमैन सीरीज का बल्मर सीरीज का भी याद है कि नहीं है भी बस वही होते हैं भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर वे में भी चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे किस में हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो कर लोगे भी अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सी ईएम वेव है भी तो पहला क्वेश्चन ये बनता है आपको तीन चार वेव दे दी जाएंगी पूछा जाएगा इनमें से किसका एनर्जी हाईएस्ट है भाई ठीक है तो उसका पैटर्न है भाई क्लास एक बार पूरा वेव लिखना आपको लिखिए सी फॉर कॉस्मिक रे भी कॉस्मिक रे को कई बुक्स कंसीडर नहीं करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्चुअली में होती हैं भी ये आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा अभी कॉस्मिक रे हाई क्लासेस में होता है सी फॉर कॉस्मिक रे भी लिख दोगे जी फॉर गामा रे भी गामा रे लिख दिया एक्स रे भी अल्ट्रा वायलेट रे यूवी रेज बोलते हैं उसको अल्ट्रा वायलेट रे ओके वी फॉर विजिबल रे भी या विजिबल लाइट वी क्या है विजिबल लाइट या विजिबल रे कर लोगे आई फॉर इंफ्रारेड भी इंफ्रारेड लिख दोगे एम फॉर माइक्रोवेव भी माइक्रोवेव आर फॉर रेडियो वेव भी आर फॉर रेडियो वेव हो जाएगा दोबारा सुनिए सी फॉर कॉस्मिक रे गामा रे एक्स रे अल्ट्रावायलेट रे विजिबल लाइट विजिबल रे इंफ्रारेड माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी में भी हाईएस्ट एनर्जी किसका है कॉस्मिक रे का भी आपकी बुक बोलते हैं गामा रे का होता है उसके लिए कॉस्मिक रे का होती नहीं अभी कर लोगे एग्जाम में नहीं मिलेगा नाम इसका कॉस्मिक रे का भी हाईएस्ट एनर्जी किसका होता है कॉस्मिक रे का होता है जिसके बाद किसका नंबर आता है गामा का गामा का हाईएस्ट मानते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्योंकि इसके लिए सी नहीं है अभी कर लोगे याद करना तरीका दिखिएगा अभी लिखो उसको हिंदी में लिख दो मर्जी इंग्लिश में लिखो छोटा गोपाल एक्सप्रेस से यूपी के वाराणसी में इंदिरा मार्केट में रहा भी लिखो छोटा गोपाल एक्सप्रेस से यूपी के उत्तर प्रदेश भी यूपी के वाराणसी में इंदिरा मार्केट में रहा देखिए भाई मेन पॉइंट भी पहला पॉइंट है इनका एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिएगा फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ गामा रे इज 3×10⁻¹⁸ हर्ट्ज टू 5×10⁻²³ हर्ट्ज 3×10⁻¹⁸ हर्ट्ज टू 5×10⁻²³ हर्ट्ज के बीच में गामा रे एग्जिस्ट करते हैं अभी ओके आगे लिखिए भी इसी में पहला तो बताएंगे इसकी व्हाट इज फ्रीक्वेंसीज भी ओके फिर बताएंगे बनी कहाँ से फिर बताएंगे प्रॉपर्टीज की कर लोगे भाई जितनी भी गामा रेज निकलती हैं अभी हमने पढ़ लिया गामा के बारे में यूनिट नंबर 8 के अंदर भी सारी निकलती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती हैं गामा रेज भी किससे निकलती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलती हैं यस और नो देख लीजिए गामा रे प्रोड्यूस बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सिंपल है ओके अब लिखिए प्रॉपर्टीज भी इतना ही है अब लिखो प्रॉपर्टीज क्या हैं भी पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा इट इज यूज्ड इन
इट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट में, इट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इसी वेव से कैंसर ही बनता है, और ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है। यस और नो? ज्यादा रेडिएशन ये हो जाए तो आपकी बॉडी के स्किन के नीचे से कैंसर बनना शुरू हो जाएगा, कैंसर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। ओके भी सेकंड पॉइंट डालिएगा, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ भी, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ। फूड स्टफ्स मतलब जो पैकिंग फूड हैं उनको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए गामा रेज में रखा जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं इसके। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। मेन पॉइंट वही है इसका, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन भी। कहीं होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी। नेक्स्ट पॉइंट भी, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, इट इज यूज टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, इट इज यूज टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। याद है अल्फा बीटा गामा से पहला एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था भी? यस सर नो? तो वहां पे यूज होती है ये। कर लोगे? सिंपल यूज है भाई, हो गया इतना ही है बस। नेक्स्ट डालिए, सेकेंड कौन सी थी भाई? एक्सरे। सेकेंड है एक्सरे भी, बातें नहीं करनी। सेकंड है एक्सरे, आगे लिखिए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्सरे इज, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्सरे इज 17 हर्ट्स टू 3×10^20 हर्ट्स भी, 3×17 हर्ट्स टू 3×20 हर्ट्स। हो गया? अब क्वेश्चन है बनती कैसे है अभी? देखो एक्सरे बनती कैसे है अभी? एक्सरे क्या करता है, एक हैवी मेटल ले लेते हैं अभी, आयरन, लाइक आयरन भी हैवी है, आयरन काफ़ी। कर लोगे? एक हैवी मेटल्स के ऊपर एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया जाता है अभी। किसके ऊपर है? हैवी मेटल्स के ऊपर एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? स्ट्राइक करवाते हैं अभी, जिससे उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है? उनके इलेक्ट्रॉन्स में चली जाती है अभी, और उनके इलेक्ट्रॉन जब मार जाते हैं हाई एनर्जी लेवल्स के अंदर भी, जब वापस आते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कौन सी होती है? वो एक्सरे होती है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि हर एक रेज का एक ही रीजन है भाई, या डी एक्साइटेशन से कर पाओगे वो किसी तरीके से करवाया जाते। कर लोगे? लिख लीजिए इसमें, व्हेन ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, When a high energy electron collide with atoms of heavy metals, then it produce X-ray भी। बताने जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिएगा, it produce X-ray। बस इतना ही है, कर लोगे? अब लिखिए प्रॉपर्टीज भी। आपको पता है एक्सरे कहाँ कहाँ यूज होती है? बहुत यूज होता है एक्सरे का भी। पहला पॉइंट डालिएगा भाई, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस। याद है आपको एक्सरे ले जाता है अभी आपकी बॉडी का भी। क्यों एक्सरे क्यों लेते हैं बताऊंगा नहीं आपको मैं, समझ में आया? इट इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस। सेकेंड पॉइंट डालिए, इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग। कैसे भाई? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं क्लास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े मेटेलिक ब्लॉक या सीमेंटेड ब्लॉक लगे होते हैं भी, उस ब्लॉक के अंदर क्रैक्स या होल हैं, उसको चेक करने के लिए क्या डाली जाती है? उसके ऊपर एक्सरे लिया जाता है उसका भी। बातें नहीं करनी। बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसमें जो मेटल प्लेट लगी होती हैं, हो सकता अंदर से खाली हो जाए वो, तो उसको देखने के लिए कि कहीं इसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं है या कोई होल तो नहीं है, तो यूज कहता है इसको इंजीनियरिंग के अंदर भी। क्या लिखा था मैंने? इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग फॉर फाइंडिंग द क्रैक्स इन मेटेलिक ब्लॉक्स भी।
फाइंडिंग द क्रैक्स इन मेटेलिक ब्लॉक. ओके आगे लिखिए भाई. इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम भी. इट इज यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम भी. अगर आप मेट्रो में बैठे हो ना, आपका बैग स्कैन किया जाता है अभी एक मशीन के द्वारा, अभी एक्सरे, अभी कहीं मेटल पार्ट तो नहीं आपकी बॉडी के उसमें बैग के अंदर भी कोई कर लोगे. और लिखिए, बातें नहीं करनी. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. आपने NaCl का सर ने बताया होगा आपको, स्ट्रक्चर बताया होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता है NaCl. तो स्ट्रक्चर कैसे निकाला गया है? NaCl का एक्सरे लिया गया है, ठीक है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकालने के लिए भी क्या यूज किया जाता है? एक्सरे यूज किया जाता है. कर लोगे? बस इतना ही है, और भी है लेकिन करवाऊंगा नहीं. आगे लिखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक बनाइए. ये बातें क्यों हो रही है क्लास, क्या हो गया? नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रा वायलेट रे भी. नेक्स्ट है ना, यही होगा. थर्ड पॉइंट कौन सा भाई? यूवी रे है ना. नेक्स्ट है भाई यूवी रेज भी. इससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं इस पॉइंट से भी. यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज भी लिख लीजिए. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूवी रेज इज, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूवी रेज इज 8 × 10^14 हर्ट्स टू 3 × 10^17 हर्ट्स में. ओके, ये जो यूवी रेज है ये प्रोड्यूस होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंप होते हैं, उनसे बनाई जाती है चीज. तो वही बल्ब में भी वही हो रहा है, डीएक्साइटेशन ही हो रही है. कर लोगे? देख लीजिए, इट इज प्रोड्यूस बाय सन. मैन सोर्स है, इट इज प्रोड्यूस बाय सन को मान लीजिए स्पेशल लैंप और वेरी हॉट बॉडीज भी. स्पेशल लैंप और वेरी हॉट बॉडीज भी ये इसको बनाते हैं भी. कर लोगे? सही है, क्या हुआ? आगे लिखिए प्रॉपर्टीज भी. यहाँ से क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान कौन सी वेव निकलती है भी? आप 90% बच्चों ने विजिबल रहे, दिखती है जी मेरे को तो. अरे तुमका स्पार्किंग दिखती है भाई, कोई भी गर्म बॉडी हो एक ही वेव निकलती है भाई, इट इज यूवी रेज. समझ में आया कि नहीं आया भी? कर लोगे? लिखो आगे, यूज लिखिए भाई. हाँ सॉरी, प्रॉपर्टीज है, यूज है तो भी एक ही बात है. प्रॉपर्टी लिखिए क्लास यूवी रेज का. लिखो, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर भी. इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर. लिखा था ना, एमानली बोलती है यूवी प्रोटेक्शन है इसके अंदर में. ये वही है भी, अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी. कर लोगे? अगर आपने खाली पानी की बोतल में, ग्लास बोतल को, ट्रांसपेरेंट बोतल को धूप में रख दो 2 घंटे के लिए, तो भी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है अपने आप, क्योंकि लाइट में क्या है, यूवी रेज होती है. सनलाइट में कौन सी होती है? यूवी रेज. कर लोगे? आगे लिखिए भाई, नेक्स्ट. इट इज यूज्ड इन बर्गलर अलार्म भाई. बर्गलर अलार्म BURGLAR भी. BURGLAR बर्गलर अलार्म भी. ये क्या होता है? चोरी. मुझे देखा था ना, डायमंड उठा लिया और घंटी बजने लगी भाई. ये वही है अभी, पुरानी आजकल नहीं दिखाता, पुरानी मोबाइल में होता था अभी, है ना, हीरा निकाला गया और घंटी बजना शुरू हो गई भी. लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व द फूड स्टफ भी.
इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व द फूड स्टफ। अब दो आंसर आए अभी आपके एग्जाम्स के अंदर, सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच वेव इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व द फूड स्टफ भी, और आपके पास ऑप्शन हो गामा रे का भी इसका भी, तो आप इसको लिखोगे भी। गामा रे रेडियो एक्टिव होती है तो उसको इस काम के यूज नहीं किया जाता अभी, वो हाई चांस है उसका भी यूज करते हैं उसके लिए इसको क्लास। कई ऑप्शन के एक जैसे भी होंगे इनमें आंसर्स भी, लेकिन आपको बेस्ट कौन सा लगेगा वो दिखाना पड़ेगा अभी इसमें आपको। बात यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फूड स्टफ प्रिजर्व करने के लिए कौन सी वेव यूज होती है, तो गामा रे और ये दोनों हों तो इसको आंसर लगाओगे आप, अल्ट्रा वायलेट को लगाओगे भी। कर लोगे, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, कितने पॉइंट हो गए, आगे लिखिए अभी। इट इज यूज्ड फॉर स्टरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, स्टरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस यही है भाई। नेक्स्ट पॉइंट डालिए क्लास, फोर्थ पॉइंट, विजिबल लाइट। फोर्थ पॉइंट है विजिबल लाइट, लिखो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज़ टू 8 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज़। हो गया, बनती कैसे है, एक ही आंसर है बुक में, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स भी इजीली बनती है, सभी का ही आंसर है भाई, इसमें स्पेशल लिख रखा है क्योंकि सबका कोई आंसर ही नहीं है अभी उनके पास, बनती कैसे है। कर लोगे, यूज किया मैं नहीं बताऊंगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, कहाँ यूज होता है विजिबल लाइट, देखने के लिए, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है भाई, वही यूज है, और क्या करते इसके लिए आपको, इसे और क्या बनाएगा, देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नेक्स्ट कौन सा भाई, इंफ्रारेड, क्लास इंफ्रारेड को लिखिएगा अभी, लिखो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंफ्रारेड इज 3 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज़ टू 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज़ भी, 3 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज़ टू 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज़। आगे लिखिए अभी, इसी में लिख दीजिएगा, इंफ्रारेड वेव इज ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव भी, इंफ्रारेड वेव इज ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज भी, क्या हो गया, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। अब दो आंसर आ जाएं भी आपके, एक वेव पहले भी है एक हॉट बॉडीज के लिए, कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट। अब दो आंसर हो, कोई हॉट बॉडीज कौन सी वेव प्रोड्यूस करती है, दोनों आंसर हो तो ये आंसर लिखोगे आप लोग, इंफ्रारेड भी, समझ में आया। दो एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है हमको, कर लोगे बात, दोनों आंसर हो तो भाई हमको दोनों पढ़ाया गया कि हॉट बॉडीज प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसका ये बेस्ट आंसर ये रहेगा, कर लोगे। उसके तीन ऑप्शन थे भाई, उनमें एक हॉट बॉडी भी था, सिर्फ हॉट बॉडी से नहीं बनती ये, सिर्फ हॉट बॉडी से ही बनती है। कर लोगे, कर पाओगे, आगे लिखिए यूज भी इसका भी, लिखिए इट इज यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी भी, इट इज यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स भी, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ्स इन स्मोक एंड फॉग कंडीशन भी,
स्मोक एंड फॉग कंडीशन, ये जो आपके कैमरे लगे हैं ना, इसमें इंफ्रारेड लगा हुआ है, रात को बड़ा बेस्ट पिक्चर देगा ये आपको अंधेरे में भी। स्मोक एंड फॉग कंडीशंस भी इसमें देखो ना, चार तरफ एलईडी लगे हुए हैं। आपका रिमोट में एलईडी लगा हुआ है, उसमें भी कौन सी वेव निकलती है, ये निकलती है इंफ्रारेड निकलती है उसमें से भी। ठीक है, आगे लिखिए भाई, क्लास बहुत है इसके पॉइंट, आगे लिखो जल्दी जल्दी से। बोले हो गया, कितने पॉइंट हो गए भाई, तीन। इट इज यूज्ड इन ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस, इट इज यूज्ड इन ग्रीन हाउस फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर भी। यस भी, नेक्स्ट वेव है माइक्रोवेव। लिखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज 3×10⁹ हर्ट्ज टू 3×10⁻¹ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज दिस। आगे लिखिए, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय, माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक वैक्यूम ट्यूब, लाइक वैक्यूम ट्यूब, गन डायोड GUNN, गन डायोड, एटसेट्रा। ये खास डिवाइस है जो लैंप, एक समय से लैंप अभी है जो इस तरह की वे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्लभ की तरह भी कर लोगे भी। आगे लिखिए, आगे यूज करना है इसका, यूज प्रॉपर्टीज लिखिए भी। नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर्टीज लिखिएगा, ये यूज लिखो इसका। पहला तो आपको पता ही है अभी, माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है, कुकिंग प्रोसेस में यूज होता है माइक्रोवेव। लिख लीजिए पहला पॉइंट है, माइक्रोवेव इज यूज्ड इन, यूज्ड फॉर लिखिए, यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पज भी। लिखो सेकंड पॉइंट, इन रेडार, इन रेडार माइक्रोवेव इज यूज्ड भी, इन रेडार माइक्रोवेव इज यूज्ड। इसमें लिखा नहीं रखा, माइक्रोवेव इज यूज्ड टू फाइंड आउट, माइक्रोवेव इज यूज्ड टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल और स्पीड ऑफ व्हीकल्स भी। सेवन पॉइंट है, रेडियो वेव भी। सेकंड लास्ट पॉइंट है ये रेडियो वेव, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है अभी। लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव इज, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव इज 5×10⁵ हर्ट्ज टू 3×10⁹ हर्ट्ज भी। ओके, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। आपको याद फील हो रहा होगा, जहां पे एक एंड रहा वहां पर सेकंड शुरू हो रहा है, मोस्टली केसेस के अंदर यही हो रहा है, एक दो में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको इजीली याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन फ्रीक्वेंसीज को एक साथ लिख के एक पैटर्न बनता है, वो मेरा याद नहीं पैटर्न, हमने प्लस टू में कभी याद किया था ये पैटर्न। ठीक है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रेंजेज में कैसे लिखे जाते हैं, और याद रखिए अभी अगर आपने इस टॉपिक को पूछ लिया, किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन व्हाट इज द माइक्रोवेव्स भी, तो जरूरी लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी आपको उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है फ्रीक्वेंसीज के, याद करने पड़ेंगे अभी, मजबूरी अभी कर लोगे। लिखिए अभी, लिखिए, रेडियो वेव इज प्रोड्यूस, रेडियो वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू LC ओसिलेशन भी। रेडियो वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू LC ओसिलेशन, हम पढ़ चुके हैं फोर्थ यूनिट में भी, ड्यू टू LC ओसिलेशन भी। ठीक है, यूज कहाँ पे होता है भी, मोस्टली रेडियो वेव यूज कहाँ पे होती है, 90% से 99% भी कम्युनिकेशन में यूज होती है। देख लीजिए, रेडियो वेव इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पज भी, रेडियो वेव इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पज। FM भी सुना होगा,
एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पूरा नाम है इसका भाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये खास कुछ एक का नाम लिखवा रहा हूँ जो पूछे गए हैं अभी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यूनिट नंबर 10 में एक पूछा जाती है मॉड्यूलेशन क्या होता है भाई, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, हम बात बताएंगे इस टॉपिक के बाद आपको। इसका फ्रीक्वेंसी होता है क्लास 108 मेगाहर्ट्ज़ भी। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखा है एफएम के लिए, कितने से 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी होता है एफएम का भी। सारे चैनल आपको यही मिलेंगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में भी। रेंज को क्या बोलते हैं भाई, बैंडविड्थ बोलते हैं, लिख लीजिएगा। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ भी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये चैनल किस उसमें बैंडविड्थ में एग्जिस्ट करेगा भी, बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। और लिखो, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस भी, एएम भी लिखो, एएम लिखो क्लास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये चीज हमने सबने देखी हुई है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 530 मेगाहर्ट्ज़, सॉरी किलोहर्ट्ज़ भी, किलोहर्ट्ज़ टू 1710 किलोहर्ट्ज़ एम, ओके। कर लोगे, एक और लिखो, लिखिए यूएचएफ, इसका मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी भी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका रेंज लिखिएगा एक बार, उसके बाद लिखवाते हैं इसके बारे में। इसका रेंज है भाई 300 मेगाहर्ट्ज टू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लास में लिखवा रहा हूँ, 3000 मेगाहर्ट्ज भी, ये पूछा गया अभी, 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज लिखिए, इट इज द बैंडविड्थ ऑफ सेल फोन भी, इट इज द बैंडविड्थ ऑफ सेल फोन। आप मोबाइल इस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, बैंडविड्थ ऑफ सेल फोन कर लोगे, ठीक है। एक और लिख देते हैं फिर, तो लिखिए टीवी वर्कड ऑन, टीवी वर्कड ऑन 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज भी, टीवी इस पे काम करता है भी सर आपका, ये वही डिवाइस लिखवाए जो हम यूज करें डेली लाइफ में भी। इनमें से कोई ना कोई पूछ ले सकता है भाई, बहुत कम चांस होते हैं वैसे डाटा पूछना, लेकिन पूछ ले तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवा सकते, कर रहे इस चीज़ को, कर लोगे, समझ में आ रहा है। देखो रेडियो का एक यूज है भाई कम्युनिकेशन के लिए होता है, कम्युनिकेशन सारी कम्युनिकेशन ही है भी। करने क्लास नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया गया भी। एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने क्या किया, प्लेट यूज किया भी, कॉपर प्लेट्स भी, दो कॉपर प्लेट यूज किया ऐसे एज लाइक कैपेसिटर भी, ठीक है। और उन कॉपर प्लेट के को जोड़ा गया विद कॉपर वायर भी, काफ़ी थिक कॉपर वायर थे, और यहाँ पे जोड़ा गया एक स्पीयर के साथ भी, मेटेलिक स्पीयर था भी, छोटे स्पीयर कर लोगे। और इस अरेंजमेंट को यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ा गया, बुक में कैसे जोड़ रखा है, कैसे कर रखा है इन्होंने, विद ए इंडक्शन कॉइल भी, यहाँ से किसका जोड़ा गया इसको, यहाँ से इंडक्शन कॉइल भी। मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था इंडक्शन कॉइल फोर्थ यूनिट में भी, मैं बोला था कि ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज बना देता है अभी, ठीक है। मैं बोला दो सेल लगाइए 12000 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा आपको,
तो बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्टेज जोड़ेगी, सीधी सी बात यहाँ पे कर लोगे। ये कुछ अलग नहीं था भैया, पहले भी हो चुका था सारे काम ये। अब क्या ऑब्जर्वेशन आई देखिए, फर्स्ट यूनिट ये बोलती है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कोरोना डिस्चार्ज भी, दोबारा बताता हूँ आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। हर एक प्लेट का एक कैपेसिटी होता है चार्ज लेने का, अपने अभी ये टॉपिक मैंने करवाया था आपको, बोला था ये टॉपिक चार्ज कंट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोलता अभी आपको। हर एक बॉडी की लिमिट है चार्ज लेने का भी, उसके बाद बॉडी क्या करती है चार्ज का लीकेज करेगी भी, या सर नो? तो ये एरिया है भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा जाता है शायद, चार्ज बटे एरिया लिखते हैं हम लोग। ओके, इसका डेंसिटी मैक्सिमम कर दिया भाई, इससे ऊपर चार्ज ले नहीं सकता ये, कर लोगे। फिर हमने क्या किया, इसको कट कर दिया भी इन शार्प एजेस के साथ भी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, चार्ज तो वही दिया इसको सेम चार्ज भी, प्रॉब्लम क्या हुआ इन एजेस के ऊपर जब चार्ज आना शुरू हुआ, यहाँ तो एरिया बिल्कुल कम आ गई, कर लोगे। एरिया कम होने से यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई एकदम से भी, कर लोगे। डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसके कॉन्टेक्ट में जो भी गैस आई उसको गैस ने इसको क्या कर दिया, इस गैस को आयनाइज कर दिया इसने भी। आयनाइज मतलब ये पॉजिटिव, तो ये भी गैस क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई भी। गैस भी जो थी एयर यहाँ पे क्या बन गई, वो भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसा लगा कि चार्ज का स्प्रे कर दिया गया अभी, चार्ज एयर का भी, या चार्ज हवा बनने शुरू होगी भी। जो भी चार्ज कॉन्टेक्ट में आने लगी हवा, वही चार्ज होने लगी, फिर बनने लगी, फिर चार्ज में जो भी, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि चार्ज का स्प्रे किया जा रहा है यहाँ से। इसका नाम दिया था कोरोना डिस्चार्ज, कर लोगे। ये रीजन था स्पार्किंग का भी, हमने स्पार्किंग सुनी होंगे, जब हम कोई तार जोड़ते हैं स्पार्किंग होती है, जोड़ने से होती है, दूर थोड़ा दूर करके देखो तब भी होती है, कॉन्टेक्ट में नहीं डालना तब भी होती है, मतलब उन पॉइंटों के बीच की हवा क्या हो चुकी है, आयोनाइज हो चुकी है, यानी करंट फ्लो कर रहा है उस गैस के थ्रू भी। आपने सुना होगा बड़े बड़े खंभे देखे होंगे, उन खंभों से बीच में स्पार्किंग होती रहती है तारों के बीच में, यानी उनके बीच की हवा क्या हो चुकी है, आयोनाइज हो चुकी है अभी। आपने ये भी सुना होगा एक्सीडेंट होते हुए कि ट्रक जा रहा था, उसके बाद में बैठे हुए थे, पावर लाइन्स ने पकड़ लिए दूर से भी, मतलब उस दूर तक करंट था अभी हवा में। पावर स्टेशन देखे होंगे, पाँच पाँच फुट लंबे टेस्ट रन के पास भी, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पावर ऑफिस में जो काम करते हैं लोग भी, दूर से करते हैं हवा में करंट तो नहीं है कहीं, उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ फ्लक्स भी, कि फ्लक्स का लीकेज हो रहा है वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहाँ पे क्या बन रहा है, हवा में क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, कर पाओगे। तो यही था अभी, जो हवा यहाँ पे थी ना वो क्या हो चुकी थी, आयोनाइज हो चुकी थी, और यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, स्पार्किंग होना शुरू हो गया अभी। प्लेट ए मान लेते हैं, प्लेट बी, ये S1 स्पीयर है, ये S2 स्पीयर है अभी, ये तो पहले भी हो रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कुछ अलग नहीं था अभी, ये तो हाई पोटेंशियल पे हर कंडीशन करती है अभी, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक और अरेंजमेंट किया अभी यहाँ पे, इसके अलावा भी, इस प्लेट के अलावा इसने एक स्पीयर रख दिया अभी, मेटेलिक स्पीयर विद कॉपर वायर भी, या स्पीयर छोड़िए रिंग बना दी एक सर्कल जैसा कॉपर वायर का भी, और उसके भी क्या जोड़ दिए, दो स्पीयर जोड़ दिए यहाँ पे। अब इस सर्कल के अंदर कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी उन्होंने, इस पर कोई करंट नहीं होना चाहिए अभी, यस और नो? तो इसको जब इसको नज़दीक लेके गया तो क्या ऑब्जर्वेशन आई, यहाँ पे स्पार्किंग होना शुरू हो गई, ले या तो मैंने कोई बैटरी जोड़ी नहीं रखी भाई, स्पार्किंग कैसे हो सकती है, यानी यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी पहुँच रही थी जिसके पास दोनों फील्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बन रहा है और करंट फ्लो से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक बन रहा है, जो स्पार्किंग की वजह से दोनों थे, इलेक्ट्रिक भी था और मैग्नेटिक भी था, कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पहुँच रही थी जिसके पास दोनों फील्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, वो चीज़ क्या थी, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखो, लिखिए, वी हैव टू मेटेलिक प्लेट, वी हैव टू मेटेलिक प्लेट ए एंड बी, ए एंड बी हैविंग 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या लिखा था मैंने, वी हैव टू मेटेलिक प्लेट ए एंड बी हैविंग 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी, एग्री आएंगे इस टॉपिक में आपको, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, आर कनेक्टेड विद
वेद हाईली पॉलिश्ड सफियर, हाईली पॉलिश्ड सफियर, हाईली पॉलिश्ड सफियर S1 S2। ऐसा क्यों किया गया कि इजिली चार्ज लीकेज हो जाए भी वहां से भी। हाईली पॉलिश्ड सफियर S1 S2, थरो कॉपर वायर भी, थरो कॉपर वायर। ये टॉपिक ऐसा मान सकते हो आप कैपेसिटर के अंदर कुछ कर रहे हो भी, समझ में आ रहा है। आगे लिखिए, दीज सफियर आर कनेक्टेड विद, दीज सफियर आर कनेक्टेड विद इंडक्शन क्वाइल, इंडक्शन क्वाइल। क्या लिखवाया था मैंने, इंडक्शन क्वाइल, दोबार जोड़ रखी है। विच गिव हाई पोटेंशियल भी, विच गिव हाई पोटेंशियल। ओके, जो मैंने सफेद बना था ना उसको भी नाम दे दो भाई, इसको सी डी बोल लेते हैं। ये सी है, ये डी है, ऐसे था ना। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, वी हैव ए कॉपर रिंग भी, वी हैव ए कॉपर रिंग सी डी, ऑल्सो हैविंग मेटेलिक सफियर भी। छोटे वाले हैं यहाँ पे, उसके वही हैं जो हम जोड़ रहे हैं, हैविंग मेटेलिक सफियर। ओके, प्लेस्ड नियर टू द कॉपर प्लेट भी, प्लेस्ड नियर टू द कॉपर प्लेट। दो प्लेट थी ना पहले, उसके नज़दीक रखा गया इसको भी। कर लोगे, ये तो सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका भी। आगे लिखिए, अभी ड्यू टू हाई पोटेंशियल ऑफ S1 and S2 the gas between them get ionized भी, the gas between them get ionized and a electric sparking is produced भी, and a electric sparking is produced between S1 and S2 भी, between S1 and S2। तो क्या चीज़ें सब कुछ पहले भी हो चुका है, मतलब ई एम वेव पहले से एग्जिस्ट करती है सीधी से, हमने तो सब डिस्कवर किया इसको, कर लोगे। आगे लिखिए, एंड स्पार्किंग इज ऑल्सो प्रोड्यूस बिटवीन C and D. It means that a wave is traveling into the gap. Which have both accelerating electric field and magnetic field. बस खत्म करो। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना होगा भाई क्लास, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू ऑफ द ईएम वेव। अगर आपको ढंग से टॉपिक देखो ना, ये एलसी सर्किट है, आप ढंग से टॉपिक को देखिए, जी डीजे एलसी सर्किट्स में कैपेसिटर है और इंडक्शन कॉइल जोड़ रखी है, इंडक्टर जोड़ रखा है, तो कितना फ्रीक्वेंसी था, 1/2π√LC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ढंग से देखो ना, इसको एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर जोड़ रखा है बार में पोटेंशियल बनाने के लिए, कर लोगे।